दोस्तों टीवी शो भाभी जी घर पर है छोटे पर्दे का सबसे लोकप्रिय शो है। आज इस शो के सभी कलाकार दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस शो को 2 मार्च 2015 में टीवी पर प्रसारित किया गया था और पिछले 5 सालों से ये शो दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। वहीं अगर बात करें शो में नजर आए कलाकारों की, तो आप सभी शो में विभूति नारायण मिश्रा के किरदार को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं शो में अंगूरी भाभी के साथ इनकी नटखट जोड़ी को काफी ज्यादा प्यार दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों आज आप सभी शो में नजर आए विभूति नारायण के बारे में तो सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके रियल लाइफ बच्चे और पत्नी कौन है, वह क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? तो दोस्तों इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें, शो भाभी जी घर पर है में विभूति नारायण के किरदार में नजर आए अभिनेता का असली नाम शेख आशिफ है। शेख आशिफ का जन्म 11 नवंबर 1964 में हुआ था। वहीं वर्तमान में ये 56 साल के हो गए हैं और आज भी देखने में काफी ज्यादा यंग लगते हैं। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 19 साल की उम्र में कर दी थी। 19 साल की उम्र में ये टीवी शो हम लोग में नजर आए थे। वहीं ये बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर मूवी प्यार का सौदागर, करण अर्जुन, प्यार किया तो डरना क्या सहित 50 से भी ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही इन सभी फिल्मों से इन्होंने काफी ज्यादा सफलता हासिल की। इन सभी फिल्मों में इन्होंने विलन का किरदार निभाया और यही कारण है कि आज भी ये टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव है और टीवी इंडस्ट्री से लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार माने जाते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम ज़ेबा शेख है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वहीं अगर बात करें इनके बच्चों की, तो आपको बता दें कि इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से इनकी बेटी का नाम मरियम शेख है, वहीं इनके बेटे का नाम एलिस ईशान है। आज इनके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, साथ ही इनके बच्चे और इनकी पत्नी देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों आपको विभूति नारायण मिश्रा के रियल लाइफ फैमिली कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।